हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। सांगो मने, आज हमें ओडिशा रो एनिशेंट इतिहास उपर किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, जे कि ओडिशा रो पुरातन इतिहास जो क्वेश्चन हमर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर पाई कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहउची। वीडियो को अपन शेष पर्यंत देखंतु, जे कि जदि हमें सिलेबस वाइज देखिबा, ये कोनोसी पर्टिकुलर एग्जाम पाई नहुए, ओडिशा गवर्नमेंट रो प्रत्येक अपकमिंग एग्जाम पाई वीडियोटी गुरुत्वपूर्ण रहइबो, काहेकि ना प्रत्येक एग्जाम रे हमर इतिहास उपर क्वेश्चन अपन माने निश्चय देखिबा को पाइबे। जदि भी अपन मानंकु एहार पीडीएफ दरकार, आपण माने आम जीके ओडिशा टेलीग्राम चैनल जॉइन होइकि एहार पीडीएफ टी को पाई परिबे। तबे चालंतु आजर प्रथम क्वेश्चन टी को आमे आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 85 देखंतु, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा इन द ईयर ऑफ 1944। देखंतु क्वेश्चन टी एठी कहउछि कि 1944 रे जे कि बा 1944 मसिया रे ओडिशा रे जे कि प्राइम मिनिस्टर किए थिले। करेक्ट आंसर कोन हेबो कहंतु, ना ऑप्शन बी कृष्णचंद्र गजपति। कृष्णचंद्र गजपति जे कि 1944 रे जे कि ओडिशा रो प्राइम मिनिस्टर थिले। तापर आपण माने एठी मने रखंतु, जदि क्वेश्चन ट आपण पचारिबो ओडिशा रो सेकंड चीफ मिनिस्टर किए थिले, ओडिशा रो सेकंड चीफ मिनिस्टर किए थिले, आपण माने कहबे नवकृष्ण चौधरी। नवकृष्ण चौधरी जे कि ओडिशा रो सेकंड सीएम थिले, बुझि पाइले। एवं प्रथम सीएम किए थिले आपण माने हमकु कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु 85 लेखि कि ओडिशार प्रथम सीएम बा चीफ मिनिस्टर किए थिले, आपण माने कमेंट करंतु। सेकंड चीफ मिनिस्टर कथा आपण को पचारिबो माने आपण माने कहबे नवकृष्ण चौधरी होउचंती ओडिशार सेकंड चीफ मिनिस्टर, क्लियर। तबे चालंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 86, इन व्हिच ईयर बिहार एंड ओडिशा सेपरेट फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी आज सेपरेट प्रोविंस। देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहउची, प्रथमे आपण बुझिबा को चेष्टा करंतु। एठी क्वेश्चन टी कहउची जे कि केउ वर्ष बिहार एवं ओडिशा सेपरेट अलग अलग होइथिले, केउठू ना बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक अछि। बंगाल प्रेसिडेंसी रु जे कि केउ वर्ष ओडिशा बिहार जे कि सेपरेट होइथिले। करेक्ट आंसर कोन हेबो कोन, क्वेश्चन नंबर 86, ना ऑप्शन सी 1919 रे जे कि बंगाल प्रेसिडेंसी रु अमर कोन ना ओडिशा जे कि बिहार थारु अलग होइथिला। ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर, क्लियर। बुझि पारछन ना बुझि पार नथि, जहां भी आपनकर प्रॉब्लम रहउची आपण माने हमकु कमेंट करंतु, आमे निश्चय आपनकर कमेंट दबा को चेष्टा करिवु, बा आपनकर जोटा भी प्रॉब्लम रहउची सेटा भी आपनकर क्लियर करबा को चेष्टा करिवु। तबे चालंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन एठी कहउची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिया न्यूजपेपर। देखंतु प्रथम ओडिया न्यूजपेपर रो नाम कोन, निम्नलिखित मानंक मध्यरु केउ न्यूजपेपर हेउची प्रथम ओडिया न्यूजपेपर। करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु, ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी उत्कल दीपिका। उत्कल दीपिका हेउची हमर प्रथम ओडिया न्यूजपेपर, जे कि ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर। बुझि पारुचंती केबे उत्कल दीपिका केबे पब्लिश हेतिला, बेले बेले क्वेश्चन आसे कोन कहबे ना 1866 रे जे कि उत्कल दीपिका पब्लिश होइथिला। बुझि पाइले जे कि प्रथम ओडिया न्यूजपेपर होची उत्कल दीपिका केबे पब्लिश हेतिला ना 1866, जे कि एठी ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर। तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन टी कहउची व्हिच वन इज द फर्स्ट इंग्लिश डेली पब्लिश फ्रॉम ओडिशा। देखंतु प्रथम आपण जानिले प्रथम ओडिया न्यूजपेपर उत्कल दीपिका, एठी किंतु कहिछि कि कोन ना निम्नलिखित मानक मधुर कोउटा इंग्लिश डेली न्यूजपेपर ओडिशार, ठीक अछि। ओडिशार जे कि प्रथम इंग्लिश न्यूजपेपर सेटा कोन ना आपण माने कहिबे ऑप्शन डी द न्यू ओडिशा। द न्यू ओडिशा हेउछि ओडिशार जे कि प्रथम इंग्लिश न्यूजपेपर, क्लियर, जे कि ऑप्शन डी हे जीवो करेक्ट आंसर। जदि आपण मानकु पचार थंदा इंडिया रो ओडिशा रो त पचारिले आपण माने कहि देले द न्यू ओडिशा, किंतु जदि पचारि थंदा इंडिया रो प्रथम इंग्लिश न्यूजपेपर रो नाम कोन आपण माने कहि थंदे बंगाल गेजेट, ठीक अछि। बंगाल गेजेट हेउची इंडिया रो प्रथम इंग्लिश न्यूजपेपर एवं द न्यू ओडिशा हेउची ओडिशा रो जे कि प्रथम न्यूजपेपर इंग्लिश न्यूजपेपर, क्लियर। सांग माने आपण ये सब नोट डाउन करके रखंतु, जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहूँ से सब नोट डाउन करके रखंतु, बहुत इंपोर्टेंट रहउची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु। एवं ए क्वेश्चन गुडा को आपणकर प्रीवियस ईयर जदि एग्जाम देखिबे बा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जदि देखिबे एई टाइप रो ही आमर क्वेश्चन आसुची एवं आगु को मध्य आसीबो बहुत इंपोर्टेंट रहूची आपण मानको एबे मु 150 ठीक अछि 115 पर्यंत जे कि आपण मानको डिस्कशन करैबी 115 पर्यंत सरीगला परे आपण मानको पई गुटे माराथन क्लास आनिबी केते ना 150 रो 150 जे कि आमर एनिशिएंट आमर मेडिएवल ठीक अछि ये जे कि सबु इतिहास उपर गोटे आपण मानक पई माराथन क्लास टी आनिबी 150 क्वेश्चन सब क्वेश्चन आपण को मु ओडिया रे ट्रांसलेट कराऊची एवं तार सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मध्य कहूची से सब आपण नोट डाउन करके रखिबे बहुत इंपोर्टेंट रहिबो ये भी गोटे बढ़िया नोट भी आपण मानकर बनि पारिबो मन रखंतु जो क्वेश्चन आमे डिस्कशन करूचे ना बहुत इंपोर्टेंट रहूची बार बार आपण को कहूची आपण सब नोट डाउन करके रखंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 89 हु फॉर्म द उत्कल यंग ओमेन्स एसोसिएशन इन 1903 देखंतु क्वेश्चन कौन कहूँ ना हु फॉर्म किए गठन करते कौन ना उत्कल यंग ओमेन्स एसोसिएशन किए गठन करते केबे गठन करते ना 1903 क्वेश्चन कहे कि 1903 उत्कल यंग ओमेन्स एसोसिएशन टाक किए गठन करते करेक्ट आंसर कौन है कहूँ 89 ना आपण मैंने कहे ऑप्शन सी शैलबाला दास ठीक अच्छे शैलबाला दास जे कि 1903 उत्कल यंग ओमेन्स एसोसिएशन टाक गठन करते क्वेश्चन टी आपके उल्टईद कौन कर ना शैलबाला दास उत्कल यंग ओमेन्स एसोसिएशन टाक के गठन करते ना आपण मैंने कहे 1903 जे कि गठन करते किए ना शैलबाला दास जे कि ऑप्शन सी होमर ये करेक्ट आंसर क्लियर चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 90 हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय इन ओडिशा ओडिशा रे सत्यवादी वन विद्यालय किए प्रतिष्ठा करथिले जदि एग्जाम रे आपन को पचारिला सत्यवादी वन विद्यालय केउठी अवस्थित ना आपन माने कहिबे पुरी पुरी रो कोउ जगा रे ना पुरी रो साखी गोपाल ठारे नोट डाउन करंतु पुरी रो साखी गोपाल ठारे जे कि सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करा जायची एवं सत्यवादी वन विद्यालय केबे प्रतिष्ठा करा जायची जदि पचारिबो आपण माने कोन कहबे ना 1909 रे किए प्रतिष्ठा करथिले ना ऑप्शन डी हे जीवो करेक्ट आंसर जे कि गोपबंधु दास पुरी रो साखी गोपाल ठारे 1909 रे जे कि कोन करथिले ना सत्यवादी वन विद्यालय को प्रतिष्ठा करथिले गोटिए क्वेश्चन रु केतोटी क्वेश्चन आसिले आपण माने काउंट करंतु इठी गोटिए क्वेश्चन को डिस्ट्रिक्ट कथा पचारिले आपण माने कहबे पुरी डिस्ट्रिक्ट रो को जगा कथा पचारिले आपण माने कहबे साखी गोपाल ठारे ठीक अछि तीनोटी क्वेश्चन गोटिए क्वेश्चन रे आपणकर आसिला सबु ही नोट डाउन करके रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 91 ओडिशा वाज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पॉलिटिकल डिवीजन अंडर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन देखंतु क्वेश्चन टी कौन कहूँ ना जे कि भले कि बुझंतु ओडिशा वाज डिवाइडेड ओडिशा को जे कि केतोटी भाग बा ओडिशा को जे कि केतोटी पॉलिटिकल डिवीजन रे विभक्त करा जायतिला किए करथिले ना मराठा एडमिनिस्ट्रेशन माने ओडिशा को केतोटी पॉलिटिकल डिवीजन रे विभक्त करथिले करेक्ट आंसर कौन हेबो कोंदु ना आपण माने कहबे ऑप्शन सी दुईटी ठीक अछि दुईटी डिवीजन रे जे कि विभक्त करथिले से दुईटी डिवीजन रो नाम कोन भी बेले बेले आपण को पचारे आपण माने मन रखंतु गोटी होउछि कोन गोटी होउछि हमर मोगल बंडी ठीक अछि गोटी होउछि नोट डाउन करंतु गोटी होउछि मोगल बंडी एवं आउ गोटी होउछि कोन ना गडजात एरिया गडजात एरिया यही दुईटी पॉलिटिकल डिवीजन रे जे कि मराठा माने जे कि ओडिशा को डिवाइड करथिले ऑप्शन सी हे जीवो हमर एठी करेक्ट आंसर देखंतु मोगल बंडीटा हमर कोन ना मोगल बंडी जो रहूची हमर कोस्टल एरिया जत्ते भी सब हमर कोस्टल एरिया रहूची ना से कोस्टल एरिया सब हमर ए मोगल बंडी रे जाउतला बाकी तक जति कि रहला से सब हमर गडजात एरिया रे जाउतला बुझी पाइले मोगल मंडी कहा को कहबा गडजात एरिया कहा को कहबा एटा आपण माने गोटे नॉलेज दृष्टि रु मन रखिबा को चेष्टा करंतु ठीक अछि चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 92 इन व्हिच ईयर अरुण स्तंभ ब्रॉड फॉर्म कोणार्क टू पुरी बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन टी कहूँ आमर जो अरुण स्तंभ ठीक अच्छे अरुण स्तंभ कौटी अच्छी आपड़ कहे पूरी जगन्नाथ मंदिर अच्छी अरुण स्तंभर उच्चता के ना अरुण स्तंभ उच्चता हूँ 34 फुट एवं जगन्नाथ मंदिर उच्चता के 214 फुट ठीक अच्छे जगन्नाथ मंदिर उच्चता हूँ 214 फुट एवं
अरुणस्तम्भर उच्चता होउची 34 फुट। ए जो अरुणस्तम्भर उच्चता रहिला 34 फुट, से अरुणस्तम्भ को केबे बा केते सेंचुरी रे कोणार्क रु पुरी को अणा जाइथिला। अरुणस्तम्भ जे कि हमर कोणार्क रे थिला, जे कि से कोणार्क रु पुरी को केते सेंचुरी रे अणा जाइथिला। करेक्ट आंसर कोन करिवे कोंतु ना, ऑप्शन सी 18 सेंचुरी। ठीक अछि 18 सेंचुरी रे जे कि कोणार्क रु पुरी को अरुणस्तम्भ को अणा जाइथिला। ठीक अछि ऑप्शन सी हे जीव जे कि हमर एठी करेक्ट आंसर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन एटी हमको पचारूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गंगो डायनेस्टी किंग फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ जगन्नाथ पुरी टेम्पल इन 1174 AD। ठीक अच्छे देखु क्वेश्चन टी कह कि निम्नलिखित मानक मध्य किए बा निम्नलिखित मानक मध्य क्यों गंगो डायनेस्टी रो राजा जे कि फिनिश शेष करते कहार कम क्यों कंस्ट्रक्शन ना जगन्नाथ पुरी टेम्पल 1174 AD। फुल फॉर्म कौन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। ठीक अच्छे जे कि 1174 रे क्यों गंगो डायनेस्टी राजा जे कि कोणार्क सॉरी जगन्नाथ मंदिर जो पुरी रे आमर अवस्थित से जगन्नाथ मंदिर कंस्ट्रक्शन कामटा को शेष करते। करेक्ट आंसर कौन है आपण मैंने कहे ऑप्शन बी अनंग भीमदेव। ठीक अच्छे अनंग भीमदेव जे कि 1174 AD जगन्नाथ मंदिर जे कि कंस्ट्रक्शन कामटा को शेष करते। जदि पचार किए आरंभ करते कौन कहे कौन कहे ना अनंत बर्मन चोड़गंग देव। ठीक अच्छे अनंत बर्मन चोड़गंग देव जे कि कौन करते ना जगन्नाथ मंदिर कंस्ट्रक्शन कामटा को आरंभ करते अनंत भीम देव जे कि कौन करते ना कंस्ट्रक्शन कामटा को शेष करते। ठीक अच्छे ये जे कि समस्ते क्यों डायनेस्टी रू बा क्यों वंश रू बिलंगस करुचंती ना गंगो डायनेस्टी बा गंगो वंश रू बिलंगस करुचंती। क्वेश्चन टी आपन को एमिति भी पचारे दे पारे जगन्नाथ मंदिर जो पुरी रे अवस्थित से जगन्नाथ मंदिर को क्यों वंश निर्माण करथिले ना आपन माने कहबे गंगो वंश। ठीक अछि गंगो वंश मन रखिथिबे जे कि आरंभ करथिले ना हमर अनंत वर्मन चोड़गंग देव आरंभ करथिले एवं अनंग भीमदेव शेष करथिले। क्लियर ठीक सेमिति आपण माने किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहू मन रखु लिंगराज मंदिर। ठीक अच्छे लिंगराज मंदिर जे कि BBSR भुवनेश्वर रे अवस्थित से जो लिंगराज मंदिर आमर रहिला तार कंस्ट्रक्शन काम किए आरंभ करथिले जदि पचारिबो स्टार्ट करथिले एवं किए शेष करथिले कौन कहबे ना जजाति केशरी जे कि आमर लिंगराज मंदिर कंस्ट्रक्शन काम आरंभ करथिले एवं लालतेंडु केशरी। ठीक अच्छे लालतेंडु केशरी जे कि लिंगराज मंदिर कंस्ट्रक्शन कामटा को शेष करते। क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलंतु क्वेश्चन नंबर 94 देखु। क्वेश्चन ये कहि हु लीड द घुमसर रिबेलियन ऑफ 1835। देखु आमर जो घुमसर रिबेलियन होता बा घुमसर विद्रोहटा जो होता केबे होता ना 1835 से घुमसर रिबेलियन लीड बा नेतृत्व किए नहीं। करेक्ट आंसर कौन है कहतु ना आपण मैंने कहे ऑप्शन बी डोरा बिशोई। ठीक अच्छे डोरा बिशोई जे कि कौन करते ना आमर जो घुमसर रिबेलियन होता से घुमसर रिबेलियन नेतृत्व नहीं लीड नेतृत्व नहीं। क्वेश्चन टी बेले बेले आसे जे कि घुमसर रिबेलियन केबे होता ना 1835 मन रखु बहुत इंपोर्टेंट रोच अलरेडी आपण मानक गोटे वीडियो प्रोवाइड कर क्यों मूवमेंट केबे होइथिला क्यों रिबेलियन केबे होइथिला। ठीक अच्छे रिबेलियन एवं मूवमेंट तार नेतृत्व किए नहीं केबे ठारु आरंभ हो कि केबे शेष होइथिला बा कहा विरुद्ध रे होइथिला। ठीक अच्छे टोटल आपन को गोटे वीडियो प्रोवाइड करिछि आपण माने चाहिले आम प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखि परिबे नचेत आमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण माने एहार लिंक पाई परिबे नहले आई बटन रे आपन को मु लिंक प्रोवाइड कर देबी। तबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 95। एटी क्वेश्चन टी कहूँ इन ह्विच इयर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड गंजाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक अच्छे क्वेश्चन कौन कहूँ देखु ईस्ट इंडिया कंपनी जे कि आम गंजाम को केबे कौन ना अतियार करथिला बा ब्रिटिश माने जे कि केबे गंजाम को अतियार करथिले। करेक्ट आंसर कौन है कहतु 95 रो ना ऑप्शन बी 1768। 1768 रे कि आम कौन करथिले ना ब्रिटिश माने जे कि गंजाम को ऑक्युपाइड बा अतियार को नहीं बुझिपारचंती केबे ना 1768 रे मन रखुथिबे बहुत इंपोर्टेंट रहुची।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆସୁଛି ଆମର ପୁରୀ, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ପୁରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଟକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ପୁରୀ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କେବେ ଅତିଆର କରିଥିଲେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିବ କ'ଣ କହିବେ ନା 1803। 1803 ଯାଇକି ପୁରୀ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଅତିଆର କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ। ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଇକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ହରିହରପୁର, ହରିହରପୁର ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହରିହରପୁରଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେ ହରିହରପୁର ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ହରିହରପୁର ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ସେ ହରିହରପୁରଠାରେ ଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଯେ କି ଗଞ୍ଜାମକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅକୁପାଇଡ୍ କରିଥିଲେ 1768। ପୁରୀ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆମର ଅକୁପାଇଡ୍ କରିଥିଲେ 1803। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଭାରତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ସୁରଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁରଟରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ମାନେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ହରିହରପୁରଠାରେ, ଯିଏକି ସେ ହରିହରପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି। କ୍ଲିଅର, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 96 ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ୍ କବିଚନ୍ଦ୍ର ତୁ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କହୁଛି କି ହୁ ଗେଭ୍, କିଏ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପାଦି କାହାକୁ ନା କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କିଏ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପାଦିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କାଳିଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପାଦିଟା ଯେ କି କାହାକୁ ସରି କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପାଦିଟା କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି କେଉଁ ଉତ୍ପାଦି କେଉଁ କବିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଦେବ କ'ଣ ନା କବିଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କେଉଁ କବିଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ବା କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପାଦିଟା କେଉଁ କବିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ନା କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପାଦିଟା ଯାଇକି କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲିଅର, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 97। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କହୁଛି କି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଇନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କହିବେ ନା ଅପସନ୍ ବି ମହାରିଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହାରିଷ ବୋଲି କହିବା, ଯେ କି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 98। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? କ'ଣ କହିଲା ନା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଅଫିସିଆଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ବାସ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ 98 ନମ୍ବର ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏଠି କହୁଛି କି କେଉଁ ବର୍ଷ ଯେ କି ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଅଫିସିଆଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ସଙ୍ଗ କ'ଣ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ସେଇଟାକୁ କେବେ ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଆନ୍ସରଟି ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର କିଛି ରିଲେଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ କେବେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ 2014। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସେ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ତାମିଲ। ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା କେବେ ମିଳିଥିଲା ନା 2004 ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶା କେବେ କନଭର୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ କହିବେ ନା 2011। 2011 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମର କନଭର୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ। କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେବେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ନା 1954। 1954 ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶୀକୁ କେବେ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ଠିକ୍ 4 ବର୍ଷ ପରେ 1958, ଠିକ୍ ଅଛି।
1958 जे कि ओडिसी को आमर क्लासिकल डांस रो मान्यता मिलिथिला एवं आमर एठी मन रखंतु ओडिसा रो प्रतीक आपण माने जानिथिबे कोन कोंदु ओडिसा रो प्रतीक कोन ओडिसा रो जो आमर प्रतीक हॉर्स ठीक अछि आमर जो प्रतीक रहला हॉर्स एई हॉर्स टा को केऊ जागारु अडॉप्ट करा जाय छि एवं केबे अडॉप्ट करा जाय छि क्वेश्चन पचारिबो ओडिसा रो प्रतीक कोन आपण कहबे हॉर्स सेई ओडिसा रो प्रतीक टा को केऊ जागारु अडॉप्ट करा जाय छि ना आपण माने कहबे कोणार्क रो सन टेंपल कोणार्क रो सूर्य मंदिर रो जे कि आमर हॉर्स टा को अडॉप्ट करा जाय छि केबे अडॉप्ट करा जाय छि पर्टिकुलर डेट सहित मन रखंतु 3 अगस्त 1964 जे कि आमर आमर जो एम्ब्लेम बा प्रतीक रहला ताको अडॉप्ट करा जाय छि बुझि पाइले एवं एठी जो कहली कि वंदे उत्कल जननी रो लेखक के ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र नोट डाउन करंतु कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र होउचंती वंदे उत्कल जननी रो लेखक बुझि पाइले एमिति भी क्वेश्चन पचारिबो लक्ष्मीकांत महापात्र को केउ उत्पादि रे सम्मानित करा दै छी ना आपण माने कहबे कांत कवि उत्पादि बा कांत कवि टाइटल टा काहा को दिया जाय छी ना लक्ष्मीकांत महापात्र को दिया जाय छी जे कि हमर वंदे उत्कल जननी को कोन ना लेखिचंती क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा चलंतु क्वेश्चन नंबर 99 देखंतु उत्कल सम्मिलनी वाज फाउंडेटेड बाय उत्कल सम्मिलनी केबे फाउंड बा केबे प्रतिष्ठा करा जायथिला बा किए प्रतिष्ठा करथिले एठी क्वेश्चन टी पचारि छी ठीक अछि उत्कल सम्मिलनी टाकू किए प्रतिष्ठा करथिले एवं केबे प्रतिष्ठा करथिले सबु ही आमे डिस्कशन करिबा उत्कल सम्मिलनी रो प्रथम अधिवेशन कोठी बसीथिला सेटा भी मध्य आमे डिस्कशन करिबा प्रथमे आपण जानि रखंतु उत्कल सम्मिलनी जे कि आमर किए प्रतिष्ठा करथिले ना आपण माने कहबे ऑप्शन बी मधुसूदन दास मधुसूदन दास जे कि उत्कल सम्मिलनी को प्रतिष्ठा करथिले केबे प्रतिष्ठा करथिले नोट डाउन करंतु 1903 रे उत्कल सम्मिलनी को मधुसूदन दास जे कि प्रतिष्ठा करथिले क्लियर चलंतु क्वेश्चन नंबर 100 देखंतु द फर्स्ट सेशन ऑफ उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस उत्कल सम्मिलनी हेल्ड देखंतु कोन कहला क्वेश्चन टी कहू छी कि उत्कल सम्मिलनी रो प्रथम सेशन कोठी बसीथिला करेक्ट आंसर कोन करिवे ना ऑप्शन सी कटक थारे जे कि उत्कल सम्मिलनी रो प्रथम कॉन्फ्रेंस टा बसीथिला ऑप्शन सी हे जीव करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 101 गोपीनाथ महांती वाज अवार्ड विथ नेशनल साहित्य एकेडमी अवार्ड 1955 फॉर हिज नोबेल देखंतु कोन कहला ना हमर जो गोपीनाथ महांती जे कि नेशनल साहित्य एकेडमी अवार्ड पाइथिले केबे पाइथिले ना 1955 रे पाइथिले जे कि केउ नोबेल पाई कि 1955 रे गोपीनाथ महांती नेशनल साहित्य एकेडमी अवार्ड पाइथिले करेक्ट आंसर कोन हेबो ना आपण माने कहबे ऑप्शन बी अमृतर संतान ठीक अछि अमृतर संतान पाई कि गोपीनाथ महांती को नेशनल साहित्य एकेडमी अवार्ड रे पुरस्कृत करा जायथिला क्वेश्चन टी पचारिबो केबे करा जायथिला ना 1955 रे करा जायथिला मसिया मन रखंतु एवं केउ नोबेल मन रखंतु एवं क्वेश्चन टी एमिति भी पचार दबो अमृत संतान पाई कि काहाकू नेशनल साहित्य एकेडमी अवार्ड रे जे कि 1955 रे सम्मानित करा जायथिला आपण माने कहबे गोपीनाथ महांती को सम्मानित करा जायथिला ठीक अछि सबु ही क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन जोड़ा दे ताको इनडायरेक्टली क्वेश्चन बाहर करूँ जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन दे डायरेक्टली क्वेश्चन आपन करबा को चेष्टा करूँ जो क्वेश्चन टा मु छाड़ी दे आप निजुक निजे भी सेटा कन्वर्टेड करके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन को करूँ बहुत इंपोर्टेंट रहइबो ए टाइप रो आपन जदि प्रिपेरेशन हेबे एग्जाम निश्चय क्रैक करके आसीबे ठीक अछि चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 102 एठी क्वेश्चन टा को देखंतु कोन देला इन ह्विच इयर गोपीनाथ महांती वाज अवार्डेड विथ ज्ञानपीठ अवार्ड प्रथम आपण माने जानिले गोपीनाथ महांती को नेशनल साहित्य एकेडमी अवार्ड रे 1955 रे सम्मानित करा जायतिला कोन पाई कि बा केउ नोबेल पाई कि ना अमृतर संतान पाई कि पुरस्कृत करा जायतिला किंतु एठी क्वेश्चन टी कोन कहू छी ना इन ह्विच इयर केउ वर्ष गोपीनाथ महांती को जे कि ज्ञानपीठ अवार्ड रे भी मध्य सम्मानित करा जायतिला कोन कहबे ना ऑप्शन सी 1973 रे जे कि गोपीनाथ महांती को ज्ञानपीठ अवार्ड रे सम्मानित करा जायतिला
ତାଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏମିତି କେଉଁ ନୋବେଲଟା ଥିଲା ବା କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୋବେଲ ପାଇଁକି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ କହିବେ ନା ମାଟି ମଟାଳ। ନୋଟ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁକି 1973ରେ ଯାଇକି ଆମର ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା 1955ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ନୋବେଲ ପାଇଁକି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 1973ରେ ଯାଇକି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ନୋବେଲ ପାଇଁକି ନା ମାଟି ମଟାଳ ନୋବେଲ ପାଇଁକି। ଏମିତି ହିଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 103 ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଭିତରକନିକା ୱାଜ୍ ଡେଜିନେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକନିକାକୁ କେବେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 103। ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଅପସନ୍ ଏ 1998, 1998ରେ ଯାଇକି ଭିତରକନିକାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆମର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା। ଏବଂ ଭିତରକନିକା କେବେ ରାମସର ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ନା 2002ରେ ଯାଇକି ଆମର ରାମସର ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି 6ଟି ସାଇଟ୍ ଯାଇକି ରାମସର ସାଇଟ୍କୁ ଆମର ଯାଇଛି। କ୍ଲିଅର? ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 104 ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍। ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ବା ଗଜପତି ବଂଶକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଅପସନ୍ ସି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯାଇକି ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା 1434 AD। ନୋଟ ଡାଉନ୍ କରିବେ 1434 AD ଯାଇକି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଚାରିବ ଓଲଟେଇ ଦେବ ଟିକେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 105। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍। ଓଡ଼ିଶା ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ କରେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଅପସନ୍ ବି 5 ମାର୍ଚ୍ଚ। 5 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 5 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ କରେ। ଏଇ 5 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ବା କାହାର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ବୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ବୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 106। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କହିଲା କି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶାର ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେବା ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ'ଣ କହିବେ ନା ଅପସନ୍ ସି କୈଳାସନାଥ କାର୍ଜୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୈଳାସନାଥ କାର୍ଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ନା ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ। ମନେ ରହିଲା, ସାର୍ ଜନ୍ ହଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କିନ୍ତୁ ଆମର ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ଆଫ୍ଟର, ଆଫ୍ଟର ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେବାର ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ନା କୈଳାସନାଥ କାର୍ଜୁ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ। ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ କ'ଣ ନା ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସର ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, 1947 ପୂର୍ବର ଯିଏକି ଶେଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ। ଏବଂ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଜନ୍ ହଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ। ଏବଂ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଏଠିକି ଆଫ୍ଟର, ଯିଏକି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି କୈଳାସନାଥ କାର୍ଜୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କି ଯେତେବେଳେ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ ଜନ୍ ହଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଯିଏକି ଆମର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଲା ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ 4-5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିଲା, ସବୁ ହିଁ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 107। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ପିକର୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ।
बढ़िया क्वेश्चनटे पचार क्वेश्चनटे कहला कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर प्रथम बाचस्पति किए ओडिशा लेजिस्लेटिव आसेम्बली जे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कथा पचार स्वाधीनता हेबार पर ओडिशार प्रथम स्पीकर बाचस्पति किए करेक्ट आंसर कौन है कहतु 97 सॉरी 107 रो करेक्ट आंसर कौन करिवे ना ऑप्शन ए नंदकिशोर दास ठीक अच्छे नंदकिशोर दास आफ्टर कौन इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस रो प्रथम स्पीकर बा प्रथम बाचस्पति ओडिशा लेजिस्लेटिव आसेम्बली ऑप्शन ए हिजो 107 रो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 108 व्हिच ईयर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द फाउंडेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पारादीप पोर्ट इन ओडिशा देखु आमर जो ओडिशा रे रहिला पारादीप पोर्ट ए पारादीप बंदरटा को पंडित जवाहरलाल नेहरू केबे एस्टैब्लिश करथिले बा केबे प्रतिष्ठा करथिले करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन सी 1962 रे जे कि पारादीप पोर्टा को प्रतिष्ठा करथिले क्लियर चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा क्वेश्चन नंबर 109 ओडिशा टेनेंसी आक्ट वाज पास्ड देखंतु ओडिशा रे टेनेंसी आक्ट केबे पास करा जायथिला करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन बी 1913 रे जे कि टेनेंसी आक्ट ओडिशा रे पास करा जायथिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 110 कुली कुतुब शाह इन्वेंटेड ओडिशा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच ईयर रूलर देखंतु क्वेश्चन टी कहउछि कि अमर जो कुली कुतुब शाह जे कि ओडिशा रे जो आक्रमण करथिले ठीक अछि बा ओडिशा पर जो अटैक करथिले केउं शासकक समय रे कुली कुतुब शाह जे कि ओडिशा ऊपर अटैक करथिले करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन ए प्रताप रुद्रदेवक समय रे कुली कुतुब शाह जे कि अमर ओडिशा ऊपर आक्रमण करथिले बा अटैक करथिले केते मसिया रे जदि पचारिबो ना 1522 1522 मसीहा रे प्रताप रुद्रदेव शासकों समय रे कुली कुतुब शाह जे कि ओडिशा उपरे आक्रमण करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 111 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पीस पगड़ा ऑफ ओडिशा देखंतु केउटा को आमे पीस पगड़ा बोली कहबा आपण माने जानिछंती गोटी होउची ब्लैक पगड़ा गोटी होउची हमर कोन ना व्हाइट पगड़ा ब्लैक पगड़ा आमे कहा को कहबा व्हाइट पगड़ा कहा को कहबा ब्लैक पगड़ा कहा को कहबा ना कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगड़ा कहबा व्हाइट पगड़ा आमे जगन्नाथ मंदिर को कहबा एठी कहिछि किंतु पीस पगड़ा कोन ना शांतिर स्तूप ठीक अछि से पीस पगड़ा कहा को कहबा ना ऑप्शन ए धौलीगिरी की आमे पीस पगड़ा बोली कहबा क्लियर नंबर 112 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहला ना इन व्हिच ईयर संबलपुर वाज अनेक्स्ट अंडर द लॉर्ड डलहाउसी पुलिस ऑफ डॉक्टर इन लैब्स देखंतु एठी क्वेश्चन टी कोन कहछि ना केउ वर्ष संबलपुरटा जे कि हमर कहा अंडर गोला ना लॉर्ड डलहाउसी पुलिस डॉक्टर इन लैब्स करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन ए 1849 ठीक अछि 1849 रे जे कि संबलपुर वाज अनेक्स्ट अंडर द डल लॉर्ड डलहाउसी पुलिस ऑफ डॉक्टर इन लैब्स ऑप्शन ए हिजो जे कि हमर एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 113 हु हार्ड लीड द प्रजामंडल मूवमेंट इन द एरिया ऑफ ढेंकानाल देखंतु ढेंकानाल जो हमर प्रजामंडल मूवमेंटा होइथिला ए प्रजामंडल मूवमेंट रो लीड नेतृत्व के नैथिले करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन बी वैष्णव चंद्र पटनायक जे कि हमर जो ढेंकानाल प्रजामंडल मूवमेंट होइथिला तहार नेतृत्व नैथिले ऑप्शन बी हेजिवो हमर एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जे कि आजर शेष प्रश्न क्वेश्चन टी कोन कहउची ना हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ ओडिशा कटक इन 1837 देखंतु 1837 रे जो हमर प्रतिष्ठा हेतिला कोन ना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस ओडिशा रे जे कि केउ माने 1837 रे जे कि ओडिशा रे प्रिंटिंग प्रेस टा को प्रतिष्ठा करथिले करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु 114 रो ना ऑप्शन सी क्रिश्चियन मिशनरी ठीक अच्छे क्रिश्चियन मिशनरी माने जे कि कटक रे जे कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस टा को प्रतिष्ठा करथिले जे कि 1837 रे माने रखिथिबे बहुत इंपोर्टेंट रहूची संग माने ये थिला अमर ओडिसा रो एनिशिएंट मीडियावल उपरे किछि इतिहास क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट रहूची आपण मानक पई
जेके वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु जदि वीडियो टी आपण मानको भलो लागे तबे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक करके वीडियो टी को आपण को संग साथी मानको शेयर करंतु तो मु बहुत जल्दी आपण मानन पई नेक्स्ट वीडियो टी नै आसुची नेक्स्ट वीडियो सहित गोटे माराथन क्लास भी आपण मानन पई नै आसुची जय जगन्नाथ।